हेलो, वेलकम टू आरएस अग्रवाल ऑफिशियल। मेरा नाम राजीव पांडे है। पिछली बार हमने मैग्नेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। तो पूछ रहा है कि सर्किट जो है उसमें शॉर्ट सर्किट के समय करंट कितना हो जाएगा। तो देखो, रिड्यूसेस सब्सिक्वेंसली, नहीं, डज नॉट चेंज। देखो, चेंज तो होता है। देखो, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है बताते तुम्हें। देखो, बहुत सारी वायर्स आ रही हैं एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर, है ना। बहुत सारी वायर्स एक ही पॉइंट पर, सपोज करो ये आउटलेट है, यहाँ पर बहुत सारी वायर्स आ रही हैं, या फिर एक ही पॉइंट से बहुत सारी वायर्स जा रही हैं, है ना। एक ही जगह से बहुत सारी वायर्स जो है या तो आ रही हैं या जा रही हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ही जगह से बहुत सारा पावर जो है वो ड्रॉ होगा, है ना। बहुत सारा पावर एक ही जगह से ड्रॉ होगा, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट, है ना। और ये क्या कर देगा, ये जो है ये इस केसिंग को, आउटलेट को, ये यहां आसपास आने वाली वायर्स के केसिंग या आउटलेट क्या कर देगा, ये हीट कर देगा। हीट कर देगा तो क्या होगा कि जो नेकेड वायर्स हैं वो एक दूसरे को टच कर जाएंगे, नेकेड वायर्स एक दूसरे को टच कर जाएंगी, तो करंट की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बोलते हैं कि इंक्रीजेस हैविली, है ना, करंट जो होगा शॉर्ट सर्किट के समय क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। वेरीज कंटिन्यूअसली नहीं होगा, है ना, डज नॉट चेंज भी नहीं होगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, हीटिंग के समय, है ना, हीटिंग के समय ये वायर्स होती हैं वो नेकेड हो जाएंगी, है ना। वायर्स जो है उनके ऊपर जो इंसुलेटिंग जो प्लास्टिक लगा होता है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और वायर्स एक दूसरे टच कर देंगी। जब टच कर देंगी तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, है ना। तो इंक्रीजेस हैविली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ फ्यूज इज। तो फ्यूज देखो कैसे डिवाइस है। देखो, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस तो नहीं है, एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइस भी नहीं है, सेफ्टी डिवाइस है ना। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। तो देखो कैसे होता है ये फ्यूज जो है ना, कुछ इस तरीके का होता है। एक केसिंग के अंदर, छोटी सी केसिंग होती है, उसके अंदर एक वायर लगी होती है इस टाइप की, कैसे भी लगा लो, इस टाइप की, है ना, किसी भी टाइप की वायर होगी, है ना। अब ये वायर कैसी होती है, देखो इस वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, है ना। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो यहां से कोई करंट की वैल्यू आ रही है, करंट की वैल्यू आ रही है आई, है ना, और इसके अंदर हीटिंग प्रोड्यूस होगी, वो क्या होगी, आई स्क्वायर आर स्मॉल टाइम के लिए टी, है ना। अब देखो इतनी हीटिंग इस फ्यूज के अंदर प्रोड्यूस हो गई। अब मैंने बोला क्या है, रेजिस्टेंस हाई है। जैसे ही रेजिस्टेंस हाई होगा तो इसके मतलब क्या है कि इसका प्रोडक्ट भी हाई हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट लो है तो जितनी जल्दी हीट करेगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूज जो है कुछ इस तरीके का है, करंट की वैल्यू जैसी कुछ ज्यादा वैल्यू बढ़ी तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट यहां से ओपन हो जाएगा, है ना। सर्किट ओपन हो जाएगा तब कोई करंट पास नहीं करेगा। तो ये जो है दूसरे डिवाइसेस को जलने से बचा लेता है। तो फ्यूज जो होता है थोड़ा सस्ता आता है, डिवाइसेस हमारे महंगे भी हो सकते हैं, कितने भी तरह के हो सकते हैं। तो फ्यूज जो होता है वो क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, मतलब कि हमारे अप्लायंसेस को बचा के रखता है ना। तो फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एन एमसीबी, एमसीबी का मतलब क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। एन एमसीबी विच कट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग वर्क्स ऑन द, तो बोला कि किस फिनोमेना में काम करता है एमसीबी। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे नहीं काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे भी नहीं काम करेगा। हीटिंग इफेक्ट पे कौन सा काम करता है, वो काम करता है फ्यूज। क्या काम करता है, फ्यूज, है ना, फ्यूज काम करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से काम करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं, है ना। तो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से कैसे काम करता है, यहां देखो ये कोई एक इंडक्टर क्या लगा ली हमने, वायरिंग लगा ली, है ना, इंडक्टर वायरिंग लगा ली। अब देखो यहां से करंट जा रहा होगा इस तरीके से, तो यहां पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, और यहां पर बन जाएगा साउथ पोल। सही समझ में आ रहा है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब देखो क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में क्या होगा, यहां पर एक दूसरी क्या होगी, कॉइल होगी, कॉइल होगी या परमानेंट मैग्नेट भी ले सकते हैं हम, है ना। अब देखो क्या होगा, ये जो है यहां पर ये एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगा, जैसे ही इसके अंदर करंट की वैल्यू जाएगी तो ये टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। यहां पर भी अगर एक टेम्परेरी मैग्नेट ले लें या परमानेंट मैग्नेट ले लें, अब क्या होगा, ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसके पास टच करेगा, है ना, टच करेगा,
और अगर एक कंडक्टिंग वायर होगी तो सर्किट ब्रेक कर देगा, नॉन कंडक्टिंग होगी तो यहां पर कोई और दूसरा सेटअप लगा लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सर्किट में इसके मैग्नेटिक इफेक्ट से, किसके मैग्नेटिक इफेक्ट से, ये जो लूप है ना, कैसा लूप है ये, कंडक्टिंग लूप है, तो कंडक्टिंग लूप में क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से क्या होगा, हम सर्किट को ऑन एंड ऑफ कर पाएंगे। तो इसी प्रोसेस से काम करता है हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। तो किस कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है यहां पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर किससे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कौन काम करता है, फ्यूज, है ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ टीवी सेट कंज्यूम्स एन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 230 वाट्स एंड रन्स ऑन 230 वोल्ट्स मेन सप्लाई, द करेक्ट फ्यूज फॉर दिस टीवी सेट इज। तो देखो क्या है, पावर दे रखा है, है ना, पावर दे रखा है, पावर कितना दे रखा है, 230 वाट, है ना, और वोल्टेज भी दे रखी है, क्या दे रखी है, वोल्टेज कितनी दे रखी है, सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट, है ना। अब देखो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, सही है, इस तरीके से होता है। तो वोल्टेज V इंटू आई, ये P। अब देखो ये अगर मैं P कैलकुलेट करना है, P तो है ही हमारे पास 230, है ना, बराबर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 230 और करंट की वैल्यू I, तो यहां से I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये टीवी सेट है वो 1 एम्पियर करंट से ऑपरेट हो रहा है ना, 1 एम्पियर करंट से ऑपरेट हो रहा है। तो अब क्या है, 1 एम्पियर से ज्यादा करंट जैसे ही जाएगा तो ये सर्किट जो है, ये टीवी जो है, ये क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा या फिर ये टीवी खराब हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 1 एम्पियर का क्या यूज करेंगे, हम फ्यूज इस्तेमाल करेंगे। तो फ्यूज जो है हम 1 एम्पियर का यूज कर सकते हैं, है ना, 1 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही 1 एम्पियर से ज्यादा करंट पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो टीवी है वो, है ना, सही है, बच जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ कार हेड लैंप ऑफ 48 वाट वर्क्स ऑन द कार बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, द करेक्ट फ्यूज फॉर द सर्किट ऑफ दिस कार हेड लैंप विल बी। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन है, पावर कितना दे रखा है, पावर दे रखा है 48 वाट, है ना, और कार की बैटरी दे बता रखी है, वोल्टेज दे रखा है, यानी कि वोल्टेज कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। फिर से पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, पावर देखो दे रखी है 48, वोल्टेज कितनी दे रखी है 12, करंट हमें फाइंड करना है। तो देखो करंट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 14/12, इसका मतलब क्या आ गया, 4 एम्पियर। मतलब कि देखो क्या है, कार का जो हेडलैम्प है वो 4 एम्पियर करंट से ऑपरेट हो रहा है ना, तो 4 एम्पियर करंट, तो इसके लिए फ्यूज जो होगा वो कितने वैल्यू का होगा, तो देखो 3 एम्पियर का तो नहीं होगा, जैसे कि 3 एम्पियर से ज्यादा करंट पहुंचेगा कार का हेडलैम्प तो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा और इससे पहले ही फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि 3 एम्पियर वाला भी यूज नहीं करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, देखो पहला ऑप्शन 5 एम्पियर वाला ही यूज कर लेंगे। देखो क्या होगा, 4 एम्पियर से थोड़ा ज्यादा करंट जाएगा तो भी ये हेडलैम्प काम करता रहेगा, लेकिन उससे जैसे ही ज्यादा पहुंचेगा कितना, 5 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, वो सर्किट ब्रेक कर देगा, फ्यूज जो होगा वो फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, करंट पास नहीं हो पाएगा और हमारा जो हेडलैम्प है वो बच जाएगा। तो 5 एम्पियर का अगर हम फ्यूज यूज करेंगे तो क्या होगा, सही होगा, हेडलैम्प हमारा फ्यूज होने से बच जाएगा। 10 एम्पियर करंट भी नहीं यूज करेंगे, 10 एम्पियर का फ्यूज भी नहीं यूज करेंगे, है ना। तो कौन सा सही ऑप्शन, फर्स्ट 5 एम्पियर वाला। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैग्नेटिक्स के इंपॉर्टेंट, और अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।